हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज बना रही हूँ मैं मशहूर कचौड़ी और आलू की सब्जी और सन्नाटा। देखिए, ये मैंने लिया है एक कटोरी आटा, एक कटोरी गेहूं का आटा है, और इसमें आधी कटोरी से कम ये इसमें मैंने सूजी डाल दी है। सूजी डाल दी है, इसमें हल्का सा नमक जाएगा। ये हल्का सा नमक, क्योंकि सब्जी के साथ खानी है इसे, तो इसमें हल्का सा नमक जाएगा। ये हल्की सी अजवाइन जाएगी। अजवाइन को हम हाथ से इस तरह से क्रश कर लेंगे। हाथ से अजवाइन क्रश करके इस तरह से और डाल देंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसमें मोयन जाएगा, इसमें थोड़ा सा ये मोयन जाएगा, मोयन जाएगा। और इसे टाइट करके हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पहले इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिला के देखिए, इस तरीके से इसे मिला लेंगे बिल्कुल। और मिला के इसमें हल्का हल्का पानी, बिल्कुल पूड़ियों का जैसे पूड़ियों का मलज आता है, उससे भी थोड़ा सा टाइट मलना है, देखो मलना जाता है उससे। ये इस तरीके से हम टाइट करके मल लेंगे। इसे टाइट कर, अब इसमें इसमें गाइस भूल गई मैं, थोड़ा सा इसमें बाद में थोड़ा सा पक गई है, तो इसमें काला नमक भी जरा सा सब्जी में डाल दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। इसमें भी थोड़ा सा काला नमक डालना है। इस तरीके से मैश कर देंगे। उबले हुए आलू की आप बनाओगे ना, तो वो बात नहीं आएगी। इसमें ना ये कच्चे आलू की ही बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ, दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ। देखिए बस ये गाढ़ी हो गई, इस तरीके से बन गई है देखिए सब्जी। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। आइए अब हम गोभी तैयार कर लेते हैं। अब हम करते हैं, ये हमारा डो जो था ये तैयार हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं, अब ये तैयार हो गया है। इसे हम इस तरीके से इसे दोबारा से मल लें। इस तरीके से इसकी जो सूजी है जो हमने डाली है उसका कण गल चुका है। हम रखते हैं ये कढ़ाई बनाने के लिए। देखिए कढ़ाई में हम डाल देते हैं, देखिए इसे हाथों हाथ ऊपर भी रख देते हैं। अजवाइन आप क्रश करके डालेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है आटे से इधर उधर निकलती है अजवाइन, वो निकलेगी नहीं है।
है ना। अभी आती हूँ राइट्स में, अभी आती हूँ मैं। ये दही फ्रिज में रख लेती हूँ। प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूँ, प्यास लग रही है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। छोटी छोटी इसकी हम लोई तोड़ लेंगे। तरीके से लोई तोड़ के रख लेंगे, इतने हमारा घी भी हो जाएगा। हमने लोई तोड़ कर रख ली, अब हम लेते हैं चकला। ये चकला लेते हैं और हमारा घी भी हो गया, घी भी हो गया, वो आने लगी। देखिए इसमें थोड़ा सा ये लेके इस तरीके से चकले पे रखते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोमन पड़ा हुआ है इसमें, ज़रूरत नहीं है मोमन पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन देखिए आप इसे इस तरीके से बेल लेंगे। ये बेल गई इसमें, इसमें ये पेपर लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्की हल्की आंच पे सेकना है, इसे तेज आंच पे नहीं सेकना है। देखिए सेक रही है ये, और दूसरी इसी तरीके से हम ये दूसरी बेल लेते हैं। देखिए छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं इसके ऊपर, कचौड़ी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स भी आ गए हैं। एक जितना आपकी कढ़ाई है बड़ी है, घी ज़्यादा है तो आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने दो डाल दी है, एक पहले से बन रही है और मैंने ये दो डाल दी है। देखिए हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। और मैं आज की वीडियो में मैंने सूजी जो बनाया है देखना, उसमें एक मैंने सन्नाटा भी बनाया है। सन्नाटे की रेसिपी मैंने नहीं डाली है, वो मट्ठा हो या दही हो उसे पतला करके, खट्टे दही का खट्टा मट्ठा हो या खट्टा दही हो उसे पतला करके और उसमें हींग और जीरा भून के पीस के वो उसमें डाल के और मिर्च डाल के बस ऐसे ही बन जाता है, पतला बनता है वो। आपने सुना होगा गांव में सन्नाटा चलता था वो, तो उसकी रेसिपी नहीं डाली है। उसके सब्जी जो मैं डाला है उसके साथ सन्नाटा भी चलता है,
जो भी चीज़ मैंने आज वीडियो में डाली है देखने के बाद पता चलेगा आपको। तो मैं यही कहने के लिए मैंने कहा सन्नाटे की रेसिपी डालती तो बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने सन्नाटे की रेसिपी नहीं डाली। तो गाइड मैं यही कहूँगी आपसे, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और पसंद आए मुझे मेरी वीडियो, मुझे नहीं सॉरी, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ और आपको दिखाऊंगी और मैं कल वीडियो में एक नई चीज़। और बस क्या कहूँ, पता नहीं, देखते हैं चैनल आगे चलता है, ग्रो होता है या नहीं होता है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना इंसान का काम है और कोशिश मैं समझती हूँ करती रहना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर कोई चीज़ आदमी सीखना चाहता है तो उसकी देखिए कोई उम्र नहीं होती। और बस आप लोगों से यही है कि आप मुझे थोड़ा आगे, वैसे तो लाखों लोग इंस्टाग्राम बना रहे हैं और मैं समझती हूँ इस कोरोना टाइम में लोग घर पे रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं, कि मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो लोग बिल्कुल जिनका टूर पे ही रहते थे वो लोग भी अपना चैनल बना रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है। लेकिन यह है कि बात यह है कि आगे तक बढ़ने में बहुत परेशानी तो आएंगी और हमेशा ही मैंने परेशानियों का सामना किया है। और आखिरी मेरा ये भी है कि मेरा ये लाइफ का मैं समझती हूँ लास्ट ही काम है कि आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो काफ़ी काम मैंने जो भी किया है सक्सेस ही रही हूँ और आगे भी उम्मीद है मुझे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि देखिएगा, वो रेसिपी मैंने इसलिए नहीं डाली कि वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैं 10-12 मिनट की ही वीडियो डाल रही हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं डाल रही क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, ज़्यादा लंबी डालूंगी तो बोर हो जाता है इंसान देख के। और पता नहीं कितनी, मैं समझती हूँ कि इंसान कितनी वीडियो दिन में देखता होगा, कितने चैनल चल रहे हैं, सभी की देखते हैं। और बस इतने, अभी मैं कहीं गई थी और वहाँ से मैं अभी आके बैठी हूँ क्योंकि आज हमारा एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम मैं आप लोगों से नहीं बताऊँगी, तो वही प्रोग्राम था मेरा, उस प्रोग्राम से आके अभी बैठी हूँ। ऑफिस भी गई थी, ऑफिस में मुझे मैडम मिली नहीं। तो बस इतना ही आपसे कहूँगी कि मेरी वीडियो को कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे ऐसे उंगली से दबा के कमेंट, ठीक है? ओके, टाटा।